अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा नया व्लॉग आज एग्जीबिशन का फर्स्ट डे, हैंड टेक्सटाइल एग्जीबिशन 2024 का फर्स्ट डे, और हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम जब जा रहे हैं मैसे फ्रैंकफर्ट के लिए, क्योंकि 9 बजे एग्जीबिशन स्टार्ट होने, सुबह का 8:30 बज रहा है यहाँ पे। इंशाल्लाह आप लोगों को रास्ते की और पूरी एग्जीबिशन का पूरा डे दिखाएंगे और आपको एग्जीबिशन ही पूरी दिखाएंगे। हॉल 1, 2, 3, 10.1, 2, 3 में जो जो भी स्टैंड है ना, उस बारे में दिखाते हैं, सही है। और जो हम आज वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, इस तरीके से मीटिंग्स वगैरह करेंगे, सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा भाई। माशाल्लाह से कोट पैंट के साथ रेडी हैं और ये इनायतुल्ला भी रेडी हैं। अधिशान भाई आप रेडी हो? थोड़ी देर बाद दोपहर में आओगे ना? वैसे आप सब काम करके आना, सही है। जो काम नाजिया होने दिए मैंने, नहीं नाजिया होने, ठीक है। ये व्लॉग बनाना चाह रहे हैं वो बना नहीं पा रहे। आगे मेजर साहब चल रहे, इनको बहुत मुश्किल हो रही है व्लॉग बनाने में। बहुत नाजुक सूरत हाल चल रही है भाइयों। बना रहा हूँ, निकल चुके हैं, रास्ते में मेन स्टेशन पहुंच गए। ठंड बहुत ज्यादा है, कितना है? -6 है, -10 फीलिंग है, -6 टेम्परेचर है भाई। आ चुके हैं भाई फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन पे। अब ट्रेन मेट्रो पकड़नी है, कल से यहाँ ट्रेन की स्ट्राइक भी है। वॉक करते हुए 10 मिनट की पहुँच चुके हैं फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन। ये जा रहे हैं आगे सब, अंजुम भाई, मामू, इनायतुल्ला और मैं। डायरेक्शन आ गई है मेट्रो की 104। दोबारा बेसमेंट में जा रहे हैं ये देखें, और मेट्रो के लिए हम टेक्स में से जाएंगे मेट्रो पकड़ के। अंजुम भाई फोर्स के साथ जा रहे हैं। अंजुम भाई कैसा लग रहा है आपको? ये आज का रश है मेट्रो के लिए, फर्स्ट डे ऑफ हेमटेक्स के, देख रहे इधर भी और ये इधर भी, ऑलमोस्ट फुल है स्टेशन। टेम्परेचर -7 है। ये मेट्रो आ गई है हमारी, सब इस पर बैठेंगे। अब मेट्रो में बैठ गए भाई, फर्स्ट क्लास में बैठे हैं ना, फर्स्ट टाइम सिटिंग फर्स्ट क्लास। एग्जीबिशन का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रही है एग्जीबिशन, 2-3 मिनट बाकी है। रश देखें आप एंट्रेंस पे, एक दिन पहले क्या हाल था एंट्रेंस का और आज क्या हाल है, जगह ही नहीं ऊपर जाने की। एग्जीबिशन और रश देखें, यहाँ पे एग्जीबिशन के पास ही स्कैन हो रहे हैं अंदर जाने के लिए। भाई आ गए एग्जीबिशन हॉल में, अब हम जा रहे हैं अपने हॉल की तरफ 10.1 और अपने स्टैंड पे जाएंगे। एंट्रेंस हमने क्लियर कर लिया है पास स्कैन करा के। जो कल तक वीरान गलियां थी आज आबाद हो गई हैं, 4 दिन के लिए आबाद हो गई हैं। पूरी एग्जीबिशन में ऐसी चहल पहल रही है यहाँ पे। आज का व्यू चेक करिएगा एग्जीबिशन हॉल का, ये भाई एग्जीबिशन हॉल का व्यू है 10.1। इस दफ़ा इन्होंने कारपेट पर्पल कर दिया, इनायतुल्ला ग्रे से पर्पल हो गया, अच्छा लग रहा है। एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, 9:10 हो रहे हैं सुबह के। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ आ रहे हैं, हम भी अपने स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। ये हम जा रहे हैं वॉक करते हुए अपने स्टैंड पे, E25। मामू अंजुम पहुंच चुके हैं, आ गए भाई स्टैंड पे। ये आज एग्जीबिशन के फर्स्ट डे, हम लोग रेडी हैं, बायर्स का वेट हो रहा है। अंजुम भाई वेट कर रहे हैं, अंजुम भाई ये लोग अभी तक आए नहीं है, लेट हो गए, और ये भी नहीं आए अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गए। ये दो स्टैंड खाली पड़े हैं, लोग अभी तक आए नहीं है और हम लोग आ गए, सामने वाले भी आ गए, ये भी आ गए। अंजुम भाई और हम विजिट कर रहे हैं हेमटेक एग्जीबिशन। अंजुम भाई क्या तासुर है आपके? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी क्या तासुर है, इंशाल्लाह सन्नाटा चल रहा है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हाँ पहले दिन तो वैसे ही सन्नाटा होता है, हम आपको विजिट करा रहे हैं। हारिस भाई नहीं है अभी तक? आ गए, ये हारिस भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालिद साहब नहीं है?
कैसा चल रहा है पहला जी? सामान पूरा कर दिया मोटे ने? चलो इंशाल्लाह मिलते हैं भाई। ओके, ये हमारे दोस्त हैं भाई, हारिस भाई। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ये वीलॉग में नहीं था, ये वीलॉग में आएगा, आप कंप्लेन कर देना। अंजुम भाई कहाँ जा रहे हो? भाई हम आप लोगों को विजिट कराने के लिए निकले हैं, एग्जीबिशन का स्टैंड दिखाने के लिए। ये सब दिखा रहे हैं आपको हम सब कुछ। हमारे पास कस्टमर नहीं आए अभी, तो हम लोग एग्जीबिशन विजिट कर रहे हैं पूरी स्टैंड लोगों के। कस्टमर जैसे ही आएंगे हम स्टैंड पर बिजी हो जाएंगे, तो उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं स्टैंड, चेक करें। बिस्मिल्लाह होगा, क्या खूबसूरत स्टैंड बनाया इन्होंने। स्टैंड ज़बरदस्त बनाया यार ये, हैं पूरे पूरे डबल बेड लगा दिए इन्होंने, बिस्मिल्लाह उन्होंने। ये चाइनीज है कोई, ये इंडियन आ गए, प्रेम टेक्सटाइल अलकरम टावल का स्टैंड है ये। ये देखें अंजू अलकरम टावल, अंबर इंटरनेशनल, चाइनीज, मित्तल इंटरनेशनल, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं भाई, इंडिया पाकिस्तान चाइना हांगकांग, बहुत लोग होते हैं, बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका के भी होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जाके। ए साथ भाई, हाँ आस्कोटेक्स भी है। हम दोबारा से आ गए अपने स्टैंड की तरफ, ये हमारा स्टैंड आ गया आदम टेक्सटाइल का, यहाँ पे वेट कर रहे होंगे, काम हो रहा है। क्या हाल है भाइयों, एग्जीबिशन में आज सन्नाटा भी रख दो, यहाँ पे 11 बज रहे हैं और अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया, वेटिंग है। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी जो है अभी तक वेट कर रहे हैं, 12 के बाद ही रश होगा, सामने से रश चल रहा है भाई। मीटिंग चल रही है स्टैंड पे, बाहर आए हुए बिकॉज एवरी बॉडी वन किलो दो। ये बंदा जो है ना सिर्फ और सिर्फ लेडीज के साथ मार्केटिंग करता है, बाकी जेंट्स में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सूफी रिंग वाले सलीम भाई हैं, लेकिन है बहुत अच्छे इंसान। नमाज़े ज़ोहर का वक्त हो गया, नमाज़े ज़ोहर अदा करने के लिए आए मस्जिद में, 10.4 पे पूरी मस्जिद है ये। इस दफ़ा ये 10.4 पे मस्जिद भी होती थी सिर्फ और कुछ भी नहीं होता था, इस दफ़ा यहाँ पे स्टैंड लगा दिए चाइनीज़ वालों के सबके, टोटल चाइना पवेलियन बना दिया इन्होंने ये, और वो सामने पाकिस्तान भी है शायद, नहीं वो भी चाइना है, सब चाइना लोग है। आओ उधर से उतरेंगे, 10.2 में चले, 10.2 में असाबी का स्टैंड दिखाना, उसका मैसेज आया भाई, बोल रहा है असाबी टेक्सटाइल का मैसेज मेरा व्लॉग में दिखाओ भाई। 10.4 फर्स्ट टाइम स्टैंड से भरा हुआ है, वरना खाली होता था पूरा मैदान। ये कहीं और का ऐसे भी चाइना है, सब चाइना है भाई ये। 10.4 में TDAP के स्टैंड भी है, TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, ये मीन्स टेक्सटाइल है। ये देखें पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, अब्दुल्ला हारून टेक्सटाइल, बिस्मिल्लाह टावल इंडस्ट्रीज, बाहर आ रहा एक्सपोर्ट, नवीद टेक्सटाइल मिल्स, लसीब टेक्सटाइल पाकिस्तान, अंजुम भाई और मैं जोहर की नमाज़ अदा करके जा रहे हैं। अब हम लोग जाके लंच करेंगे,
और उसके बाद पाकिस्तान भी भाई उज़्बेकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हम लोग 10.4 में इस वक्त, ये फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे स्टैंड लगे, उससे पहले नहीं थे। लंच करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, ये आ गए हम, यही तो है इस्लामिक रेस्टोरेंट हलाल, यही है बिरयानी चल रही, आ जा और ही बिरयानी दे रहे हैं वो, आ जाओ भाई। ये मैसे के अंदर है, TDAP पाकिस्तान के बिल्कुल सामने, यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, बिरयानी है, सालन है, कोरमा है। ये देखें, ये भाई खाना दे रहे हैं, ये खाना है जो भाई यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं बिरयानी का। हम बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह लंच में। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया भाई, बिरयानी खाई है, अंजुम भाई ने खिलाई है। अंजुम भाई थैंक यू भाई, आपने बिरयानी खिला दी यार हमें। अब जा रहे हैं स्टैंड पे, कस्टमर आया हुआ है। यू मेक 90 बॉक्स डबल साइज, 40 बॉक्स सिंगल, 20 वन एंड हाफ इन वन कंटेनर, ओके टुगेदर दिस, ओके अंडरस्टैंड। आई विल मेक बट फर्स्ट यू शो मी कलर नेक्स्ट वीक देन आई। भाई सारे कस्टमर चले गए, ये एक कस्टमर हमारा आया है, वेंडर है हमारे पाकिस्तान से आए खास तौर पर हमारा स्टॉल विजिट करने के लिए। ये मिस्टर दिशान वहीद है, ऑनर ऑफ यूनाइटेड कमर्शियल सर्विसेज, कस्टम क्लियर एजेंट। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ ये इनका असल में ये शौकिया बनाता है, शौकिया बनाता है ये, और उसकी यार आपकी मोहब्बत दिशान भाई, हम लोग खाना पाक खिलाते हैं। थैंक यू दिशान भाई, वैसे आप खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाते हैं, अल्लाह पाक ने जायका दिया आपके हाथ में। ये 2-3 दिन से नहीं बना रहे, फैमिली आई भी तो वो बना रही है। नहीं नहीं कल भी इसने जो है सारी मेहनत करी है यार, माशाल्लाह से ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, सुबह नाश्ता भी, शेड भी अच्छा खाना बनाता है। अभी तो कल रात में तो नादे उन्होंने खाना बनाया ना, नहीं माशाल्लाह। थैंक यू दिशान भाई, दिशान भाई थैंक यू, जज़ाकअल्लाह यार आप। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आज का दिन खत्म, इख्तिताम पज़ीर, फर्स्ट डे हम टेक्सटाइल दी एंड, आज का हमने स्टैंड क्लोज कर दिया। आज हम जर्नी कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट के लिए, इंशाल्लाह फिर घर पहुंच के आपसे कांटेक्ट करते हैं दोबारा। अपने अपार्टमेंट की तरफ रवाना दवाए हम लोग निकल रहे हैं होल्ड 10.1 से, अंजुम भाई और मैं, बाकी लोग चले गए। पहला दिन इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है भाई हेमटेक्स का, बचे हैं 3 दिन, आगे देखते हैं। अब सब लोग अपने अपने होटल्स, अपार्टमेंट या हॉस्टल्स जो भी सब जिसने बुक करें, वापसी वहाँ जाते हुए पहला दिन इख्तिताम पज़ीर हो गया भाई। बहुत रश है भाई, सुबह आते वक्त भी रश था, अभी जाते वक्त भी रश है। ट्रेन स्टेशन का रश देखें भाई, बहुत ज़्यादा रश है भाई ट्रेन का। एक बार फिर फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन पहुँच चुके हैं भाई, मैसे से होते हुए अंजुम भाई का वेट हो रहा है। अंजुम भाई हमारे आ रहे हैं, नीचे हैं। अंजुम भाई, अंजुम भाई आ जाओ। अपने अपार्टमेंट आ गए भाई, एग्जीबिशन के हॉल से पहुँच गए यहाँ पे। अभी ये नीचे एक शॉप है, यहाँ से सामान खरीदेंगे तो आगे ब्रेकफास्ट के लिए। भाई ये एग्जीबिशन से फारिग हो गए, हम आ गए अपने अपार्टमेंट में, रूम नंबर 34। और ये अंजुम भाई हमसे पहले आ गए थे, क्या चाय बना रहे हो तुम? चाय बन रही है, डाल लो, आ रहा हूँ पानी डाल लो। ये दिशान भाई है ना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपने रूम में जाओ, पता नहीं सुनी रहे। दिशान भाई नमाज पढ़ ली आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये शूज पहन के बैठे हो यार बेड के पास, कौन सा तरीका है यार? स्टारबक्स कॉफी पीने मेरे लिए पार्सल लाओगे? नहीं 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 आप इंजॉय करें, आप चलो साथ, आपको नहीं नहीं बस ठीक है। चाय बन रही है भाई। ईशान भाई क्या डिस्कस कर रही थी? क्या बहुत खूबसूरत आदमी। नहीं नहीं आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना नादियों के हवाले से, क्या डिस्कशन थी? हम नादिम भाई को रवैये के हिसाब से समझते हैं, उस साथ है, लेकिन जब उनके साथ रहो तो कहते हैं बहुत नरम है भाई वो, ऐसे ही वो लगता है कि मेजर साहब का उनका रोल है, लेकिन मेजर साहब वाला रोल नहीं है, नॉर्मल आदमी है भाई, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, जबरदस्त ईशान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भाई आज सारे काम हो गए, एग्जीबिशन का पहला दिन इख्तिताम को पहुंच गया, खाना ना खा के अब रेस्ट करने की तैयारी है, बिस्तर पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को मेरी लाइक करें और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है? इंशाल्लाह कल आपसे दूसरे दिन की वीडियो में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।